वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है उनको, क्योंकि आप पहली बार मिले हैं। जी हेलो एवरीवन, मैं तारा शुक्ला हूँ एंड मैं बॉर्न ऑफ बॉटम यूपी से हूँ, बट मुंबई में अभी लुकिंग फॉरवर्ड सी क्या होता है। ओके okay. और मैम जो पहला एल्बम आया था उससे शुरुआत करते हैं जी। अमन त्रिखा जी के साथ आपने काम किया है, फिर आपने एक आइटम नंबर किया साउथ में, तो उन दोनों के बारे में अगर बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एज अ डेब्यूटेंट क्या क्या अनुभव रहा आपको? मेरा फर्स्ट एल्बम अमन त्रिखा जी के साथ आया था एंड रवि भाटिया जी उनके डायरेक्टर थे। रवि भाटिया जी उनके डायरेक्टर थे। वो बहुत कोइंसिडेंस मुझे मिला था, मैं ऑडिशन देने गई थी एंड वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स आई थी, सो उन्होंने बस मुझे 2 मिनट उसी सेम सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए बोला जो मैंने कभी सुना नहीं था, बट मैंने परफॉर्म किया एंड मैं सेलेक्ट हो गई एंड वो एल्बम भी शूट हो गया। एंड उसके बाद मेरा साउथ का जो आइटम सॉन्ग आया ना पंटा मूवी का, वो भी बहुत कोइंसिडेंट था, ऑडिशन देने गई उसमें सिलेक्शन हो गया। एंड वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ, एस नारायणा जिनका नाम है, ही इज़ अ वेरी फेमस डायरेक्टर एंड मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैंने उनके साथ काम किया। अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें थोड़ा सा बताइए कि एक्टिंग का कीड़ा कब से लगा और कब से आपने शुरुआत की, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है आपके बारे में आपने जो है बहुत ही कम उम्र में डांस करना शुरू किया था, तो बताइए कि एक्टिंग के प्रोफेशन में कब आपको लगा कि अब जो है एक्टिंग भी करनी चाहिए? मुझे शुरू से लगता था कि मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हुई हूँ। खुद को एक लड़की होती है, एक एक्टर होता है ना, वो अपने आप को मिरर में देखता है एंड अपने मिरर में देखने के बाद वो अपने एक्सप्रेशंस को कैरी करता है, तो वो मुझे शुरू से लगता था कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, बट क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से थी, ब्राह्मण थी, सो पेरेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे, अगेंस्ट थे, बट धीरे 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 फाइट किया एंड मुंबई पहुँच गई मैं। अभी लगता है कि ऑफकोर्स आई एम एन ऑल्सो एन एक्ट्रेस। ऑल्सो आप बहुत अच्छा कर रही है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन है, फैमिली कितने सपोर्टिव है आपके करियर को लेकर? अभी तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत खुश हैं वो मुझे लेकर एंड वो इवन आगे के लिए देख रहे हैं कि मेरा ऑफकोर्स कुछ ज़रूर अच्छा होगा। और एज अ एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? माधुरी दीक्षित। और क्यों? शी इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड वो डांस के साथ जो एक्सप्रेस करती हैं, एक्सप्रेशन जो उनके होते हैं, वो मैं वो एडमायर करती हूँ एक्चुअली। शी इज़ माई फेवरेट। ऑल्सो आप स्टेज शोज भी करती है, तो कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आप एक डांसर हैं लेकिन आप बहुत ही अच्छी एक्टर भी है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ कुछ क्लियर करना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? हाँ मेरे फैंस को भी लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी लगता है जब मैं बोलती हूँ कि आज मेरा स्टेज शोज है, मेरा गोवा में स्टेज परफॉर्मिंग है, तो उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, मैं कौन सा स्टाइल करती हूँ, कौन सा स्टाइल कैरी करती हूँ, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ए डांसर एट ऑल, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। एक एक्ट्रेस में बहुत सारे हुनर होते हैं जिस जो मेरा एक डांसिंग स्किल्स भी आ जाता है, तो स्टेज परफॉर्मिंग मीन्स मैं डांस कर रही हूँ बट एज अ लीड कर रही हूँ, जिसमें मुझे कोरियोग्राफर बताता है कि आपको क्या स्टेप करना है और क्या नहीं करना है, और उसमें बहुत सारे स्टेप्स डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो मुझे मेरे लिए वो चेंज भी कर दिए जाते हैं। एक डांसर के लिए इट्स इम्पॉसिबल बट मेरे लिए वो कर देते हैं, सो आई एम नॉट ए डांसर एट ऑल, आई एम एन एक्ट्रेस, थोड़ी बहुत डांसिंग स्किल्स आती है, सो आई डू स्टेज शोज। राइट। और इन फ्यूचर ऐसा कोई ड्रीम है कि कोई ड्रीम रोल हो या फिर कोई ड्रीम जॉनर हो जिसमें काम करने की इच्छा हो? हाँ, मुझे फुकरे मूवी में ऋचा चड्ढा ने जो एक्ट किया था, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ वो एक्ट करना एक्चुअली। राइट। और जैसे आपने कहा कि माधुरी दीक्षित बहुत ही अच्छी डांसर भी है और उन्होंने बहुत ही मतलब अपनी लंबी जर्नी तय की है, तो उससे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है और क्या मतलब अगर आपकी जर्नी को आप उनके साथ कंपेयर करें, हालांकि वो बहुत ही बड़ी कलाकार है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कितनी इंस्पायर होती है उनकी जर्नी से? वो तो बहुत ही टैलेंटेड हैं लेकिन मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनकी देवदास मूवी देखती हूँ जब भी, तो एक्चुअली ऐश्वर्या इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट क्योंकि माधुरी दीक्षित को मैं एडमायर करती हूँ, शी इज़ माई इंस्पिरेशन,
तो मैं उनको भी एडमायर करती हूँ, उनके उनकी एक्सप्रेशन से लेकर उनसे उनकी डांसिंग स्किल्स, मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ ऐसे ना अडॉप्ट कर लूँ उनका। अभी जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो उसके अंदर सोशल मीडिया एज ए एक्टर कितना चैलेंजिंग है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना और कंटिन्यूस काम करना और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहना। सोशल मीडिया में एक्टिव रहना आजकल एक एक्ट्रेस के लिए एक कंपटीशन भी हो गया है, एंड आजकल बहुत कॉम्पिटिटर आ गए हैं, बट आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोशल मीडिया के किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप हो क्या। आप जब तक पोस्ट नहीं करोगे आपको उनके काम का पता नहीं चलेगा, मैं जब तक पोस्ट नहीं करती हूँ तब तक पता नहीं चलता है। जिस दिन मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया उनको लगेगा मैं खाली बैठी हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहें। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री, कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है, आप एक डेब्यूटेंट है तो इस चीज़ को क्या कभी आपने फेस किया है, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करेगी आप? हाँ लगता है, बट ठीक है, कहते हैं डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, तो एक्ट्रेस के बच्चे एक्टर ही होंगे, सो उसमें नेपोटिज्म की बात नहीं है। बट हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये हो जाती है कि हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं होते हैं, हम जिस फैमिली से आए होते हैं उनको इंडस्ट्री का ए भी नहीं पता होता है। तो जब तक हम शहर में आते हैं हमें ग्रूमिंग से लेकर एवरीथिंग करने में ही हमारा जो टाइम है ना वो चला जाता है। तो इट्स गुड एंड इट्स बेस्ट कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो इंडस्ट्री में आए तो उनके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें और ग्रूमिंग तब से ही स्टार्ट कर दे, ताकि जब वो मुंबई आए या फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उसको वो जो ग्रूमिंग का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा कट जाएगा, एंड उसने से शॉर्ट नोटिस में उसको कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। और आने वाले समय में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं? अभी मैं एक थिएटर कर रही हूँ, बहुत छोटा सा थिएटर है, जफर वर्सी जी के साथ डायरेक्शन में कर रही हूँ, एंड जिसका नाम है किस्सा मौजपुर का। एंड अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं रिवील करना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो जब रिलीज़ हो जाए तो रिवील हो, दैट्स इट। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब इन फ्यूचर आपको सपोर्ट भी करेंगे और जितने भी प्रोजेक्ट किए उन्होंने सपोर्ट भी किया है? ऑडियंस ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे सोशल मीडिया से लेकर इवन मेरी पर्सनल लाइफ तक जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे आपका साथ हमेशा चाहिए, जस्ट गिव मी बेस्ट ऑफ लक। राइट, ऑल्सो जो है लैंग्वेज, आपने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम करने वाली, तो ये लैंग्वेज बैरियर को कैसे मतलब टैकल करने वाली, और साउथ में ऑलरेडी आप काम कर चुकी है तो वहाँ के लैंग्वेज के बारे में क्या कहना चाहेंगी, और क्या आपने कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस की है उस समय? नहीं, मैंने सैंडलवुड इंडस्ट्री में काम किया है, एंड वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, मीन्स वहाँ का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा था। क्या होता है कि जब आपको एक लैंग्वेज नहीं पता होती है तो आप बहुत डरे हुए होते हो कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, बट ठीक है, ये जस्ट गुड लक फॉर मी कि सॉरी हाँ, मैं डायरेक्टर का नाम लेना चाहती हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो आइटम सॉन्ग आपने किया, तो क्या लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम फेस की या फिर कुछ डिफ़िकल्टी हुई आपको? हाँ, क्योंकि मैं हिंदी इंडस्ट्री से हूँ और मुझे हिंदी ही बहुत अच्छे से आती है, सो जब मैंने कन्नड़ में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे जो लैंग्वेज था वो मुझे समझ में नहीं आता था, उसके लिए मुझे एक अलग पार्ट में जाकर समझना पड़ता था कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या आप बता सकते हो। तो मेरे जो को एक्टर थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, एंड उन्होंने मुझे बहुत बताया कि आप ऐसे एक्सप्रेस करो, ऐसे एक्सप्रेशन दो, देन मैं आई जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं दूसरी लैंग्वेजेस में भी काम कर सकती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।